सिंह राजपूत की मौत के बाद से तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर मौजूद है। बिना पुष्टि के चल रही इन खबरों को कोई और छोर भी नहीं है, लेकिन लोग इन्हें देख रहे हैं और बिना किसी आधारिक बयान के इन खबरों को सच मान लेते हैं। एक ऐसा ही फेक वीडियो सामने आया है जिसमें वीडियो क्रिएटर ने सुशांत केस में अरबाज खान का नाम घसीटा है। नाम सिर्फ लिया ही नहीं गया है बल्कि अरबाज के अरेस्ट तक की खबरें चला दी गई हैं। सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान ने इन फेक खबर चलाने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। अरबाज ने कुछ फेमस और नॉन फेमस सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इन लोगों के द्वारा कुछ पोस्ट और ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अरबाज को बदनाम करने का आरोप लगा है। पोस्ट में दावा किया गया है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कनेक्शन में अरबाज की ही भागीदारी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत ने मूवी माफिया की बात की थी। नेपोटिज्म कल्चर को एक्टर की मौत का दोषी ठहराया था। तब से ही सोशल मीडिया पर स्टार किड्स फैमिली को लेकर जमकर हेट पोस्ट शेयर की जा रही हैं। लोगों के हेट कमेंट से परेशान होकर कई स्टार किड्स और सेलेब्स ने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिए हैं। सुशांत मामले में करण जौहर और सलमान खान जैसे सितारे भी हेटर्स के निशाने पर हैं। अरबाज खान ने बॉम्बे सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। 28 सितंबर को कोर्ट की ओर से विभोर आनंद और साक्षी भंडारी नाम के अभियुक्तों के खिलाफ एक अंतरिम आदेश दिया गया है, जिसमें इन अभियुक्तों को तुरंत प्रभाव से ये बदनाम करने वाले पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि फेक पोस्ट में कहा गया है कि अरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें सीबीआई की अनौपचारिक तौर पर हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा भी अरबाज और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह के गलत कंटेंट को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है।